ऐसा सिनेमा जो बहुत पसंद आएगा लोगों को. अलग रूप है सबका, विनय पाठक का, रणवीर शौरी का, अभिमन्यु का, कल्कि का, मेरा एक एसेंट्रिक हूँ, मैं गैंगस्टर हूँ, और तीन कहानियाँ हैं. सो बहुत एक अलग सिनेमा और बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके. एक थ्रिलर है जिसमें थोड़ी कॉमेडी भी है, धोखा भी है, सेक्स भी है, लव भी है, और इमोशनल अत्याचार भी है. इमोशनल अत्याचार तो इमोशनल अत्याचार है, जो वही सारे करेक्टर जो एक दूसरे की तरफ जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, जिस तरीके से उनके दे क्रॉस देयर पाथ, आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस एज इमोशनल अत्याचार. बहुत अलग सिनेमा है, तो अलग म्यूजिक है इसका, और इसमें एक बपीदा का अट्रैक्शन भी है, कोई नया साउंड. मैंने फिल्म के दो गाने सुने, एक तो जो फिल्म में है, जो कल्कि पर फिल्माया गया है गाना, बहुत बढ़िया है वो. दूसरा एक हमने बपीदा के साथ रिकॉर्ड किया है गाना, राजस्थानी फोक सैम्पल्स हैं गाने में, और उसका जो आर 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 है वो आपके दिमाग में ज़रूर अटकेगा. बपीदा ने मेरी आवाज़ सुनी तो आज इतनी बड़ी फिल्म में मुझे मौका दिया, बहुत खुश. बहुत मज़ा आता है मुझे, कमर्शियल सिनेमा भी करता हूँ और बीच बीच में ये सारी फिल्में मुझे ऑक्सीजन देती हैं. जब भी फिल्में ऐसी करता हूँ जहाँ पर मैं अपने तरह से जी पाता हूँ, जहाँ पर एक सुपरस्टार का तमका नहीं रहता मेरे सर पे, लार्जर देन लाइफ रोल नहीं करना होता, तो मुझे ऐसे किरदारों को जीने में बड़ा मज़ा आता है. ये एक मिस्ट्री है, पैसा है, काफ़ी पैसे का एक अत्याचार है जो हम लोगों पर है, और क्विक मनी चाहिए सबको, तो यही सारी चीज़ें हैं. ये फिल्म मैं कह सकूँगा कि कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस पे है जो आपके मेरे किसी के भी साथ हो सकते हैं, और कैसे उनके असर अपनी ज़िंदगी पे होता है. लोगों को उम्मीद ही कर सकता हूँ पसंद आएगी, मुझे काफ़ी पसंद आई, मुझे शूट करते हुए भी बहुत पसंद आई, देखने पर भी पसंद आई, तो उम्मीद करता हूँ उतनी ही पसंद ऑडियंस को भी आएगी.